अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडेज़ व्लॉग इज़ अबाउट अल्लाह ब्लेस मी विद आ बेबी नेफ्यू। तो हम यहाँ पर जो है उसकी चीज़ें वगैरह सेट कर रहे थे। ये कबर्ड ली है हमने जिसको हमने सेट किया, और अब करते हैं बेडशीट वगैरह को चेंज और रूम को जो है वो थोड़ा डेकोर वगैरह करना है क्योंकि बेबी ने घर आना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो बेडशीट को चेंज करते हैं। वाइट एंड पिंक जो है वो सब कुछ हमने जो है वो डेकोर करने का सोचा था, तो उसी लिहाज से जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। बैलून्स मैं लेके आई थी, ये वाले ठीक है 3-4 तरह के थे। एक था इट्सा, एक था वेलकम बेबी, और एक शाइनिंग वाले थे, और पीछे वो दूसरी थी, क्या बोलते हैं उनको पता नहीं। तो ये वाले जो बैलून्स थे ना, मैंने उनको फुलाया और ये फटी जा रहे थे। हालांकि इतने महंगे ये आए थे और एम ही फट रहे थे ये। फिर ये वाले वेलकम बेबी वाले हैं, ये काफ़ी इजीली जो है वो फूल गए थे, और फिर जो है पीछे ये लगा के कुछ इस तरह से जो है वो डेकोरेशन की थी। अभी फाइनल जो है वो मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, नीट सा भी लग रहा था, और डेकोरेशन भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो है वो हमने नहीं की थी, इतनी ही की थी, और इतनी ही जो है वो अच्छी लग रही थी। लेट्स चेक दिस। और फिर केक भी जो है वो बनवाया था वेलकम बेबी से, जो है ये खुद ऑर्डर पे बनवाया था, और थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग वगैरह की थी। बच्चे जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और इतना प्यार आता है छोटे छोटे बच्चों पे। कुछ गिफ्ट्स आए थे हफ्सा के, और जो कि उसकी फुप्पो लेके आई थी, और कुछ हमने लिए थे। फिर यहाँ पर कबर्ड सेट की थी, अलमारी काफ़ी अच्छी थी, ठीक थी, अभी तक तो ठीक जा रही है, रिव्यू अच्छा है इसका। ये खुद बाय की थी मैंने, और छोटे छोटे कपड़े हैंग किए हुए इतने प्यारे लग रहे थे इसमें। एक साइड पे जो है वो एक रैक में हैंगिंग वाले थे, और दूसरी साइड पे जो है वो हम स्टेप बाई स्टेप रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है फिर हम सब बैठे हुए गपशप हो रही थी थोड़ी, रात का टाइम था और फैमिली टाइम था ज़रा। और जी फिर बस ऐसे ही नेक्स्ट डे जो है वो सहरी करनी थी, और सहरी बना रहे थे। और आई होप कि रमज़ान सबका जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मौका दिया हुआ है इबादत करने का, बख्शिश मांगने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस रमज़ान में हिदायत मांगनी है अल्लाह ताला से, और बख्शिश मांगनी है, क्योंकि बख्शिश मिल जाए, हिदायत मिल जाए, तो समझो अल्लाह ताला जो है वो हमें मिल जाते हैं। और बहुत दुआएँ करनी है, ये दुआओं का, बरकतों का, रहमतों का महीना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।